हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जहां तक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1.4 हो, 1.5 हो या 1.6 हो, इन सभी लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन शॉर्ट मैं EFL लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। दूसरा काम होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तीसरा काम होगा पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम एक चार्ज या दो चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फील्ड लाइंस का पैटर्न भी बनाएंगे। और एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड। तो ये चार काम आज के लेक्चर में हमें करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो स्टार्टिंग होगी डेफिनेशन से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये माइकल फेरेडे ने डेवलप किया था, और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, पहले उस ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि एक चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड में अगर कोई बाहर से चार्ज आता है, जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज मैं बाहर से लाया, ये टेस्ट चार्ज है, एक बहुत छोटा चार्ज है। अगर कोई एक्सटर्नली कोई चार्ज लाया जाता है तो ये चार्ज इस फील्ड में आते ही कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखती है, इज इट विजिबल, क्या हम इसको देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? नहीं देख सकते। अब जरा सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करना हो तो कैसे किया जा सकता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमसे कहूं कि अपने माइंड में मैं एक वर्ड बोलूंगा, बोलते ही तुम उसको इमेजिन कर लोगे, जैसे रेनबो, तुम्हारे माइंड में पिक्चर क्रिएट हो गई कि भाई इस तरीके से रेनबो बनता है, ठीक है ना। अलग अलग कलर्स होते हैं, VIBGYOR, वहां से हमें कलर पैटर्न पता चल जाता है। वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइंड में क्या क्रिएट हुआ? कुछ क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो है कि होती क्या है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की होती है, कैसी दिखती होगी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो माइकल फेरेडे ने सिर्फ एक चार्ज के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। तो हम एक चार्ज के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस या कर्व्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सिर्फ एक तरीका होता है चार्ज के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। अब ये काम किया कैसे जाता है, हम एक चार्ज के आसपास की फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइंस की फॉर्म में, कर्व्स की फॉर्म में, ये हम डेफिनेशन से समझेंगे। तो ये रहा एक चार्ज, फिर से एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लो। अब इसके आसपास की फील्ड को हम ट्रेस करेंगे, देखते हैं इसके आसपास की फील्ड कैसी होती है। तो उसको ट्रेस करने के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, इट इज डिफाइंड एज द कर्व अलॉन्ग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड मूव
इफ इट इज फ्री टू डू सो। मतलब चार्ज के आसपास हर पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज रख के देखो, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख के देखो। जैसे यहां पे हमने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब हम ये देखेंगे कि ये चार्ज किस तरफ मूव करना चाहेगा। तो ये ऑब्वियस है कि ये इस तरफ मूव करना चाहेगा। अब इस चार्ज को यहां से उठाओ और यहां रख दो। अब देखो कि ये किस तरफ मूव करना चाहेगा। अब भी ऑब्वियस है ये इधर मूव करना चाहेगा, बट इस पोजीशन में और इस पोजीशन में फिर डिफरेंस क्या हुआ? इस पोजीशन पे भी उधर ही मूव कर रहा था ये, इस पोजीशन पे भी उधर ही मूव कर रहा है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों पॉइंट्स में। डिफरेंस है फोर्स का, यहां फोर्स ज्यादा लग रही है और यहां फोर्स कम लग रही है, हालांकि फोर्स की डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम है। तो इसीलिए मैंने यहां पे वेक्टर की लेंथ अलग अलग बनाई। जहां वेक्टर की लेंथ ज्यादा है इसका मतलब यहां फोर्स ज्यादा लग रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब यहां पे जब उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को रखा तो वो इधर मूव करता हुआ नजर आया, यहां रखा तो भी वो इधर ही मूव करेगा। अलग अलग लेंथ मैंने क्यों ली ये आपको पता ही है। ऐसे ही इसके आसपास अलग अलग पोजीशंस पे हमने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख के देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। इन सभी एरोज में, इन सभी वेक्टर्स में या लाइंस में अंतर क्या है? सिर्फ लेंथ का, है ना। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर चलते जाएंगे लेंथ छोटी होती जाएगी। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंटेशन। अगर ये सारी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए। देखते हैं ये दोनों काम कैसे होते हैं। पहले हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे? यहां पे तो सिंपली डायरेक्शन ऑफ एरो से हमें फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है। दूसरा काम है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें कैसे पता चल रहा है? मैग्नीट्यूड का अंदाजा हम किससे लगा सकते हैं? लेंथ ऑफ द एरोज। तो दोनों ही चीजें हमें पता चल गई, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब यही रिप्रेजेंटेशन और बेटर बनाया जा सकता था। कैसे? इन सभी एरोज को कनेक्ट कर दिया जाए तो इन सभी एरोज को कनेक्ट कर देते हैं। ये लो, इन सबको कनेक्ट कर दिया। अब क्या बन गया? अब वो अलग अलग लेंथ के एरो तो बच नहीं गए क्योंकि सबको कनेक्ट कर दिया हमने। अब क्या बन गई? अब लाइंस बन गई। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं डायग्राम को। ये रहा पॉजिटिव चार्ज और हमने जब सारे एरोस को कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास इस तरीके से लाइंस आ गई। अब देखते हैं क्या वो दो इंफॉर्मेशन हमें यहां पे भी मिल रही हैं। कौन सी दो इंफॉर्मेशन? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो वो तो हमें लाइन की डायरेक्शन से पता चल गया कि ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइन जिस तरफ है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा काम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो लाइन्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या आइडिया दे रहे हैं या कैसे आइडिया दे सकते हैं वो देख लेते हैं।
तो देखो, एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर करो। ये एरिया पहले हमने चार्ज के पास रखा, इसमें से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, एक दो तीन, तो इस एरिया में से तीन फील्ड लाइन क्रॉस होती है, पास हो जाती। इसी एरिया को जब थोड़ा सा दूर रखा हमने, तो इसमें से अब कितनी फील्ड लाइन पास हुई, सिर्फ एक फील्ड लाइन पास हुई। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। जहां फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां फील्ड लाइन थोड़ी दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक होगी। अब देखते हैं इस डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार, वो क्वेश्चन मैं पहले यहां पे लिखूंगा, फिर हम उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, डज अ स्मॉल, पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई भी चार्ज ले लेते हैं, डज अ स्मॉल चार्ज ऑलवेज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। जैसा कि डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि ये एक ऐसा कर्व है जिसके अलोंग एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहता है, ये तो डेफिनेशन कह रही है। और क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्या एक स्मॉल चार्ज हमेशा फील्ड लाइन के अलोंग ही मूव करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इसका आंसर क्या, अगर हम, इसका आंसर दोनों ही है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो कब ऐसा होगा वो सिचुएशन देखो, अगर एक सिंगल चार्ज है हमारे पास तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, एकदम स्ट्रेट होती हैं। अगर हम एक स्मॉल चार्ज यहां रखते भी हैं और उसको रिलीज कर देते हैं, रिलीज करने का मतलब हमने उसको छोड़ दिया कि तेरे को जहां जाना है वहां जा, तो ये चार्ज किस तरफ जाना चाहेगा, ये फील्ड के अलोंग ही जाना चाहेगा। अगर दूसरी सिचुएशन देखी जाए कि जहां पे फील्ड लाइन कर्व्ड होगी, फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइंस ही होती हैं, फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हो सकती हैं, बट बोला तो लाइन ही जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व नहीं बोला जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी कर्व्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड हुई और तुम सोचो कि यहां अगर हम एक चार्ज रखेंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया, तो वो हमेशा फील्ड की अलोंग मूव करेगा, ऐसा नहीं होता। यहां तो ठीक है वो फील्ड लाइन के अलोंग मूव कर जाएगा, बट कर्व्ड के केस में वो फील्ड लाइन के अलोंग मूव नहीं करेगा। क्या होगा, तुमने यहां पे इसको रखा, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स तो ठीक है फील्ड लाइन के अलोंग लगेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इस तरफ मूव करना चाहेगा, कुछ टाइम तक तो वो फील्ड के अलोंग मूव करेगा और उसके बाद वो उस पोजीशन से दूर चला जाएगा। मतलब कुछ टाइम तक तो वो फील्ड लाइन के अलोंग मूव करेगा, उसके बाद उसका जो ट्रैक होगा वो अलग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इट मे और मे नॉट मूव अलोंग द फील्ड लाइन। मे वाला केस कब आएगा, ये कब फील्ड लाइन के अलोंग मूव करेगा, अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है, और चार्ज कब फील्ड लाइन के अलोंग मूव नहीं करेगा, अगर वो फील्ड लाइन कर्व्ड है तो। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम
पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके रुकती हैं। जैसे ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज, यहां से फील्ड लाइन का निकलना होगा और फील्ड लाइन कहां जाके रुकेगी, एक नेगेटिव चार्ज पे जाके रुकेगी। अच्छा बात करते हैं, अगर एक सिंगल चार्ज हो, सिर्फ एक चार्ज हो, दूसरा चार्ज ना हो, तो फील्ड लाइंस कहां जाके रुकती या कहां से आती हैं। इन केस ऑफ अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक सिंगल चार्ज होगा तो जो फील्ड लाइंस हैं, तो यहां बना लेते हैं इसको, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और कहां जाके खत्म होंगी, इन्फिनिटी पे। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये एक्चुअल में हम एक लिमिटेड रीजन तक फील्ड लाइंस दिखाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है कि इसके आगे फील्ड लाइंस हैं ही नहीं, इसके आगे फील्ड लाइंस हैं और वो कहां तक जाती हैं, वो इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो इसका मतलब फील्ड लाइंस जो हैं वो कहां जाके खत्म होंगी, दे विल एंड एट इन्फिनिटी। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होंगी, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये है फील्ड लाइंस की सेकंड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन शॉर्ट फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। तो फील्ड लाइंस की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि ये एक क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती। देखते हैं क्यों नहीं बन सकती एक क्लोज्ड लूप। मान लेते हैं अगर एक क्लोज्ड लूप बने तो क्या होगा, जैसे यहां से मान लेते हैं ये स्टार्ट हुई है फील्ड लाइन, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा और ये फील्ड लाइन वापस घूम के इसी की तरफ आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज से तो फील्ड लाइन सिर्फ निकलती है ना, उसकी तरफ घूम के वापस तो नहीं आ सकती, तो इस वजह से क्लोज्ड लूप इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जबकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो फील्ड लाइंस हैं दे कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक वायर कंसिडर करो, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर की तरफ है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म सर्कुलर लूप्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म सर्कुलर लूप्स और क्लोज्ड लूप्स। ये एक डिफरेंस है दोनों फील्ड लाइंस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। बस एक चीज और लग जाएगी इसके साथ, एक्सप्लेन व्हाई। ये बन गया एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना होगा, जो प्रॉपर्टी वन है वो इसका आंसर बन सकती है। कैसे, प्रॉपर्टी वन में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो इसका एक्सप्लेनेशन है बेसिकली क्या, कि फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और ये जाके खत्म होती है नेगेटिव पे, जबकि क्लोज्ड लूप अगर बनेगा तो वो खत्म भी कहां पे हो रही है, पॉजिटिव पे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है, अगर उसमें पूछा जाए एक्सप्लेन हाउ, तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी उसके रीजन में लिख सकते हैं। सो हियर कम्स द थर्ड प्रॉपर्टी,
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब समझते हैं इसको कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, तो क्या करो यहां पे टेंजेंट बना दो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ऐसे ही अगर आपको यहां पे फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी हो तो यहां टेंजेंट बना दो। तो ये कह रही थी ये प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की। टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब दो फील्ड लाइन्स कभी इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों ऐसा नहीं हो सकता देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कहीं भी टेंजेंट बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अच्छा, यहां टेंजेंट बना के देखते हैं, यहां टेंजेंट किसके हिसाब से बनाए हैं? इस लाइन के हिसाब से ऐसा टेंजेंट बनेगा और इस फील्ड लाइन के हिसाब से ऐसा टेंजेंट बना। मतलब पॉइंट एक है और उस एक पॉइंट पे फील्ड लाइन की या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही हैं। पॉइंट एक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन टू डायरेक्शंस। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इस वजह से दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब इसके रीजन में आप क्या लिखोगे? वैसे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक्सप्लेन हाउ। तो रीजन में क्या लिखोगे? इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। तो ये इसके रीजन में आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्मूथ कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। देखो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। मान लेते हैं एक मेटेलिक प्लेट है हमारे पास और वो मेटेलिक प्लेट चार्ज्ड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो फील्ड लाइंस हैं वो निकलेंगी और इसकी फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? ऐसी बनेंगी। यहां भी निकलेंगी वैसे तो। अब मान लो कि ये प्लेट काफी दूर रखी हुई है ना, काफी दूर है ये प्लेट, तो इसकी जो फील्ड लाइन होंगी वो इस रीजन में कुछ ऐसी होंगी। अब ये प्रॉपर्टी कहती है इनर चार्ज फ्री रीजन, मतलब अगर इस रीजन में इन फील्ड लाइंस के अलावा और कुछ ना हो, जैसे कोई चार्ज ना हो, अगर इस रीजन में कोई चार्ज नहीं होगा
तो ये जो फील्ड लाइंस होंगी ये हमेशा स्मूथली आगे बढ़ेंगी और हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगी। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कहीं ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ब्रेक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना, और जब तक कोई और चार्ज यहां नहीं आएगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कैसे होगी। तो इस वजह से इन अ चार्ज फ्री रीजन किसी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होती हैं विदाउट एनी ब्रेक्स आगे बढ़ती। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। मतलब ये एक कंडक्टर कंसिडर करो, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो चार्ज होता है वो किसी भी कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस से 90 डिग्री पे निकलेंगी। तो ये एक मस्ट प्रॉपर्टी है क्या, कि फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर से सिर्फ 90 डिग्री पे ही निकल सकती हैं। अब देखते हैं ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है। ये आ सकता है ये क्वेश्चन कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, एक्सप्लेन हाउ। अब देखते हैं इसका रीजन क्या होगा। देखो, इफ द फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, तो पहले देखते हैं अगर फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, सिर्फ इतना पार्ट देखते हैं पहले। तो ये कंडक्टर की कोई सरफेस है, मैं पूरा कंडक्टर नहीं बना रहा, और इस पॉइंट पे जो फील्ड लाइन है वो नॉर्मल होती है, ये तो हमें पता है। अगर मान लेते हैं नॉर्मल ना हो, जैसा कि यहां लिखा है इफ द फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, आगे क्या होगा देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस, तो पहले इसके कंपोनेंट देखते हैं, ये ई है तो सरफेस के साथ मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है थीटा, इस तरफ कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और इधर होगा ई साइन थीटा, खैर उसका कोई रोल नहीं है यहां पे। तो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस मतलब ई कॉस थीटा वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड वुड सेट अप अ करंट। अब यहां तक समझते हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सरफेस पे, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा सकती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है अपोजिट टू द फील्ड, तो इनके ऊपर फोर्स लगेगी इधर, और फोर्स लगेगी तो वो मूव करेंगे, और वो मूव करेंगे तो एक करंट डेवलप हो जाएगा कंडक्टर में। अगर करंट डेवलप हो गया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन तो नहीं रह जाएगी फिर, तो आगे क्या लिखा है, बट नो करंट फ्लोज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा ये जो चैप्टर वन है वो किस ब्रांच में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो हम जो ये सारी प्रॉपर्टीज देख रहे थे ये सब किस चीज को मान के बनी है कि चार्जेस आर एट रेस्ट। तो जबकि अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगी, कुछ एंगल पे होगी, तो चार्जेस रेस्ट पे रह ही नहीं पाएंगे। इस वजह से फील्ड लाइंस कभी भी नॉर्मल के अलावा किसी डायरेक्शन में नहीं निकल सकती। तो ये इसका रीजन हो गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है द फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। जैसे ये एक कंडक्टर मान लो, हमने जस्ट पिछली प्रॉपर्टी में देखा कि फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पे निकलती हैं या 90 डिग्री पे आती हैं अगर नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर हो तो। अब हमने फील्ड लाइंस सिर्फ सरफेस से आगे आगे बना दी थी, अंदर नहीं बनाई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि कंडक्टर के अंदर द इनसाइड फील्ड इज जीरो।
तो इसमें ये वैसे क्वेश्चन आ सकता है, द फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, एक्सप्लेन वाई। तो इसके रीजन में आप क्या लिखोगे, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 8 का कहना है कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। मतलब क्या है कि जहां पे फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी का मतलब होता है रिलेटिव क्लोजनेस, वहां फील्ड स्ट्रांग होती है। अच्छा, इसके साइड में कंपेयर करने के लिए एक और रीजन बनाते हैं। ये रहा रीजन ए और ये है रीजन बी। जैसा कि साफ दिख रहा है दोनों केसेस में, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ए में डेंसिटी ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, ए में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है और बी वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में वीक है। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूं मैं तुम्हें। मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न बनाऊंगा और देखेंगे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले इस रीजन को देखो, यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाले रीजन में जो फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ी सी कम डेंस हैं और नीचे वाले रीजन में जो फील्ड लाइंस हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या इस पूरे रीजन की बात करें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी? नहीं। इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो स्ट्रांग है। तो इसका नेचर कैसा होगा, हम यहां पर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इज नॉट कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट। फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन सबकी सेम थी। अच्छा, एक और पैटर्न देखते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, यहां पे रिलेटिव क्लोजनेस हर जगह सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इज सेम। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, क्या हर जगह डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की? नहीं है। अगर हम यहां बात करें तो टेंजेंट इधर बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अगर यहां बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहां नेचर कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट बट मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट। अच्छा, एक और रीजन की बात करते हैं। यहां पे देखो, यहां तो डेंसिटी ज्यादा है और यहां डेंसिटी कम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। यहां देखें तो डायरेक्शन इधर है और यहां देखें तो डायरेक्शन इधर है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ नॉट कॉन्स्टेंट। एक और देखते हैं पैटर्न। इसमें तो आप समझ ही गए, डायरेक्शन भी सेम है और रिलेटिव क्लोजनेस देखें तो वो भी हर जगह सेम है। मतलब यहां पे क्या होगा, नेचर होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कॉन्स्टेंट। तो ये थे 4 पैटर्न जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर एग्जामिन किया था। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 का कहना है, फील्ड लाइंस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज
which indicates attraction between two unlike charges. इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले हमें दो अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा. तो करते हैं ड्रॉ. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान लो, पोलैरिटी डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम. यहां से जो फील्ड लाइन स्टार्ट होगी वो कहां जाके एंड होगी, नेगेटिव पे एंड हो जाएगी. अच्छा ठीक है, यहां से जो फील्ड लाइन स्टार्ट होगी, अगर ये चार्ज नहीं होता, मान लो कि वो नहीं है, तो ये सीधी चली जाती फील्ड लाइन. बट ये नेगेटिव चार्ज पास में है तो ये फील्ड लाइन थोड़ी सी बेंड होके इसकी तरफ आ जाएगी. वैसे ही ये फील्ड लाइन भी आ जाएगी. और ऐसे ही अगर हम और फील्ड लाइंस की बात करें, जैसे यहां पे जो फील्ड लाइन होती वो नहीं होता तो स्ट्रेट निकल जाती, वो है तो इसमें भी थोड़ी सी बेंडिंग आ जाएगी. तो ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न फॉर टू अनलाइक चार्जेस. अब प्रॉपर्टी समझ में आएगी, देखना. अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये वाली फील्ड लाइन और ये वाली फील्ड लाइन, वैसे तो बाकी सभी, तो इन दोनों से ही हम समझेंगे ये कैसे निकलती है, ऐसे सीधी निकल जाती. बट वो चार्ज है यहां पे, तो ये दोनों फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होकर इधर आ गई. तो ये दोनों फील्ड लाइंस लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो गई. इससे हमें क्या पता चला, इससे क्या इंडिकेट होता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है. तो टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यही हमें इस प्रॉपर्टी से पता चलता है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, व्हाट डज दिस इंडिकेट, यहां से क्या इंडिकेट होता है. तो आपको क्या लिखना है, इट इंडिकेट्स दैट टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जर्ट्स लेटरल प्रेशर विच इंडिकेट्स रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस. इसको समझते हैं हम. इसको समझने के लिए भी हमें दो लाइक चार्जेस का पैटर्न बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. तो देखो, जो फील्ड लाइन यहां से निकल रही है ये नहीं होता तो सीधी चली जाती, बट ये है तो इस फील्ड लाइन में थोड़ा सा बेंडिंग आ गई इस तरीके से. जो फील्ड लाइन यहां की तरफ निकल रही है ये नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, बट अब ये है तो इसमें बेंडिंग आ जाएगी इस तरीके से. ऐसे ही उसकी बात करें तो उसकी फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा. अब देखो जरा, इन दोनों फील्ड लाइंस की बात करते हैं. अगर कोई भी एक चार्ज होता दूसरा ना होता तो इंडिविजुअली ये फील्ड लाइन इस तरीके से मूव करना चाहती, बट हुआ क्या, इन दोनों फील्ड लाइंस ने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर जनरेट किया और प्रेशर लगने से दोनों फील्ड लाइंस में बेंडिंग आ गई. इस तरीके से ये दोनों फील्ड लाइंस मॉडिफाई हो गई. तो यहां से हमें क्या पता चला कि फील्ड लाइंस एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर विच इंडिकेट्स रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. क्या क्वेश्चन बनेगा कि फील्ड लाइंस एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, व्हाट डज दिस इंडिकेट, इससे क्या इंडिकेट होता है. तो आपको लिखना है, इट इंडिकेट्स द रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस. डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन के लिए फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनता है वो अब देखते हैं. तो पहला कॉन्फिगरेशन हम क्या लेंगे, सिंगल पॉजिटिव चार्ज. वैसे ही तो ये चीजें हम
प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते कर चुके हैं, तो इसको मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूं। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इस तरीके की होंगी। ये स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड होगी इन्फिनिटी पे। अगर एक नेगेटिव चार्ज की बात होती तो पैटर्न ऐसा ही बनता, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी इस केस में। डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड्स द चार्ज। अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास दो चार्जेस आ जाएंगे, टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। वैसे तो ये भी टॉपिक हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10 समझाते टाइम ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको कर देता हूं। दो पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इससे फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगी। वहीं अगर दो पॉजिटिव की जगह पे दो नेगेटिव चार्ज होते तो टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो तुम क्या करते, बस डायरेक्शन अपोजिट कर देते, बस डायरेक्शन अब इस तरफ हो जाएगी, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये तो हुआ दो चार्जेस की वजह से ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं दो ही चार्ज होंगे बट उनका मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट होगा तो फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। दो चार्जेस ये रहे, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, और मान लो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। अब पैटर्न बनाते हैं, देखते हैं कैसा पैटर्न बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा फॉर टू लाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। यहां पे अगर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव चार्जेस होते ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो पैटर्न सेम बनता, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाती। अब देखते हैं कि यहां पे ये कैसे पता लगाया जाता है कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं कि एक चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा निकलती। तो यहां पे जरा दोनों चार्जेस को एक बार कंपेयर करके देखो, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं इन टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 6 नीचे हैं, तो इससे निकल रही हैं 12 फील्ड लाइंस, और यहां से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं 6 फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की हेल्प से दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो भी निकाला जा सकता है। देखो कैसे, Q1 by Q2, ये हमें कैसे पता चलेगा, 12 by 6,
हमें कितना मिला कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से डबल है, और ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की हेल्प से हमने पता लगाया। अब देखते हैं अगला कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट कॉन्फिगरेशन में हम लेंगे अलग अलग पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है। अब हमें दो चार्ज कंसिडर करने हैं, एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। Q1 मैग्नीट्यूड वाइज Q2 से ज्यादा है। अब देखते हैं इसका पैटर्न कैसा बनेगा। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ आती हैं। तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा फॉर टू अनलाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब यहां पे भी Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का अगर रेशियो निकालना हो तो हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से निकाल सकते हैं। तो Q1 बाय Q2 अगर देखा जाए तो देखो Q1 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो Q1 से निकल रही हैं 12 फील्ड लाइंस। और Q2 की तरफ कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, क्योंकि Q2 नेगेटिव है तो इसकी तरफ फील्ड लाइंस आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पे भी हमें क्या मिला कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से डबल है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं तुम्हें। जैसा हमने इसमें देखा कि इसका मैग्नीट्यूड इससे डबल था, तो इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही थी वो इसके कंपैरिजन में डबल निकल रही थी। अब देखते हैं फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अ मेटल प्लेट, अ मेटल प्लेट placed near a point charge. For example, हम यहां पे मान लेंगे जो point charge है वो है positive. तो ये जो metal plate है ये इस charge के पास रखी हुई है, तो इसके ऊपर charge induce हो जाएगा। जो end चार्ज के पास है उसके ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरे वाले के ऊपर सेम टाइप का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो देखो कैसी होगी, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ आई। यहां से जो फील्ड लाइन निकल रही है अगर ये नहीं होता तो ये फील्ड लाइन सीधी चली जाती, क्योंकि मेटल प्लेट है तो फील्ड लाइन में अट्रैक्शन हो जाएगा, वो इसकी तरफ आ जाएगी ऐसे ही। ये होगा पैटर्न फॉर दिस कॉन्फिगरेशन। तो अब बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 26th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.26। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिखाया हुआ है और पूछा यह जा रहा है
कि कौन सा पैटर्न सही है। एक एक करके सारे पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। पर यहां पे देखो, हर एक फील्ड लाइन जो है वो बॉडी से 90 डिग्री पे नहीं निकल रही। जैसे ये इस तरीके से चली गई, इसको देखो ये ऐसे चली गई, तो इसका मतलब ये पैटर्न गलत है। इस पैटर्न की बात करते हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अच्छी बात है, यहां से भी निकल रही हैं, ठीक है। अब नेगेटिव पे फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहां तक तो ठीक था, बट इनको देखो, इन फील्ड लाइंस को, नेगेटिव से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी गलत है। इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ये तो टू चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस का पैटर्न हम देख चुके हैं, तो ये वाला सही है। इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, यहां पे गलती क्या है कि ये फील्ड लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पैटर्न भी गलत। इस पैटर्न की बात करते हैं, यहां पे जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज्ड लूप्स बना रही हैं, तो ये पैटर्न भी गलत हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन का कहना है, द फील्ड लाइंस ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑफ दोज ऑन द राइट। मतलब अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो लेफ्ट साइड में जो पैटर्न है उन फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो इस पैटर्न से डबल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है वो देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए इज 40 न्यूटन पर कूलम। ए पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू है वो है 40 न्यूटन पर कूलम, देन व्हाट फोर्स एक्ट ऑन अ प्रोटॉन एट ए। ए पे अगर हम एक प्रोटॉन रखेंगे तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड है 40 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करके हमें इस पॉइंट पे रखे हुए प्रोटॉन के ऊपर फोर्स मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट बी। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहां से डबल सेपरेशन है यहां पे, और हमने फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए देखा था कि जहां पे फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होगा वहां पे फील्ड वीक होती है। तो अगर यहां पे फील्ड है 40 न्यूटन पर कूलम और यहां सेपरेशन डबल हो गया तो यहां फील्ड हो जाएगी आधी, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 20 न्यूटन पर कूलम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फिगर शोन। तो ये हमारे पास एक फिगर गिवन है और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द साइन ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू। तो ये दो चार्जेस हैं क्यू वन और क्यू टू, इनकी पोलैरिटी बतानी है। क्यू वन पे फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इसका मतलब क्यू वन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और क्यू टू से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये पॉजिटिव साइन का होगा। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू। तो इसके लिए हमें यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यू वन बाय क्यू टू इज इक्वल्स टू, क्यू वन पे कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, जबकि Q2 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इधर है, 12, 13, 14, 15, 16, 16। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2, 4 by 16, और वी कैन से 2 by 8 और 1 by 4। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, स्केच द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस फॉर टू चार्जेस 2q एंड माइनस q। तो एक चार्ज है प्लस 2q और एक चार्ज है माइनस q, देखते हैं इनकी फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा।
कुछ ऐसा होगा फील्ड लाइंस का पैटर्न। अब हम देखेंगे कि क्या ये पैटर्न हमने सही बनाया है, इसको जस्टिफाई कैसे करें। तो इसको हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के हिसाब से जस्टिफाई करके देखते हैं। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज से डबल है, तो इस चार्ज के हिसाब से यहां से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस? डबल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए। यहां पे कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के हिसाब से तो हमने जस्टिफाई कर लिया कि भाई ये जो पैटर्न हमने बनाया है ये पैटर्न एकदम सही है। अब एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे हम इस पैटर्न को जस्टिफाई कर सकेंगे, देखते हैं वो मेथड क्या है। देखो, अगर हम इन दोनों चार्जेस को पास से देखते हैं तो इस तरीके का पैटर्न हमें नजर आएगा, बट अगर थोड़ा सा दूर जाके देखो, मतलब अगर हम इस सिस्टम से दूर चले जाते हैं तो हमें ये दो अलग अलग चार्ज नहीं दिखाई देंगे। हमें क्या लगेगा कि यहां पे सिस्टम के पास कोई एक नेट चार्ज है, और वो नेट चार्ज कितना होगा? जैसे ये हो गया प्लस 2q, वो है माइनस q, तो नेट चार्ज क्या हो गया? प्लस q। पास से तो ये दो अलग अलग दिख रहे हैं, दूर जाके देखेंगे तो हमें एक नेट चार्ज दिखाई देता है। अगर है नेट चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से तो फील्ड लाइंस सिर्फ निकलती हैं। अब देखते हैं, अगर इसको हम एक सिस्टम मान लें, इसको एक सिस्टम की तरह कंसिडर करके देखो, यहां से जो फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से निकल रही हैं उसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये एक प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, क्योंकि सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो इतना है। तो एक फील्ड लाइन तो इधर से निकल गई, ठीक है ऐसे ही निकाल देते हैं। एक इधर से निकल गई, ठीक है ऐसे निकाल देते हैं। एक ऐसे निकल गई, ठीक है ऐसी चली गई। एक इधर निकल गई, एक ऐसे जाके इधर से निकल गई, ठीक है, और एक ऐसे निकल गई। तो अगर दो चार्जेस ना मान के इसको एज अ सिस्टम माना जाए तो सिस्टम से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो भी सिमेट्रिक हैं। और कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं? 6, क्योंकि 2q से कितनी निकल रही थी? 12। नेट चार्ज कितना है? प्लस क्यू, तो कितनी फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए? 6 फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए। तो ये हुआ जस्टिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड है, सुनो। देखो, अगर ये है चार्ज 2q और ये है चार्ज माइनस क्यू, तो ऐसा स्टैंडर्ड कुछ नहीं है कि अगर होगा क्यू तो 6 फील्ड लाइंस ही निकलेंगी, 2q है तो 12 हो जाएंगी, 3q है तो 18 हो जाएंगी, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन होता है। देखो, ये है 2q, यहां से अगर 20 फील्ड लाइन निकलती और यहां पे 10 फील्ड लाइन आती तब भी तो रेशियो 2 ही रहता। यहां से अगर 100 फील्ड लाइन निकलती और यहां पे 50 फील्ड लाइन आती तब भी रेशियो 2 ही होता। तो चार्ज कितना है इसके साथ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फील्ड लाइन कभी एसोसिएट नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि चार्ज क्यू है तो 6 फील्ड लाइन ही निकलेंगी। फील्ड लाइन कितनी भी निकल सकती हैं, इनफैक्ट बहुत सारी फील्ड लाइन निकलती हैं, बट हमें क्या देखना होता है? हमें सिर्फ फील्ड लाइंस को रिलेट करके देखना होता है कि इसमें से कितनी निकल रही हैं और उसके कंपैरिजन में यहां कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड।
अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। तो बात करते हैं सबसे पहले यहां की, प्लस टू क्यू की वजह से फील्ड होगी इधर और माइनस क्यू की वजह से फील्ड होगी इधर। और क्योंकि ये चार्ज उससे मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है तो ये फील्ड ज्यादा होगी, ये फील्ड कम होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं कर सकती, तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जहां नेट फील्ड जीरो हो जाए। अच्छा, यहां एक पॉइंट कंसिडर करके देखते हैं, टू क्यू की वजह से फील्ड इधर और माइनस क्यू की वजह से इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, फिर से नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकती। तो यहां भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं इस जगह पे, यहां देखो टू क्यू की वजह से फील्ड इधर और माइनस क्यू की वजह से फील्ड इधर, यहां इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की प्रोबेबिलिटी है। कैसे? 2q मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है बट यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी तो ज्यादा हो गई, तो इस जगह पे दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं और हमें न्यूट्रल पॉइंट यहां आसपास कहीं मिल सकता है। तो इस जगह पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कुछ ना कुछ क्वेश्चन नंबर 4 से ही मिलता जुलता है। 4 में 2q और माइनस क्यू की फील्ड का पैटर्न बनाना था। यहां पे पोलैरिटी उल्टी कर दी, यहां पे है प्लस क्यू और माइनस 2q। तो देखते हैं इनका पैटर्न कैसा बनेगा। ये है प्लस क्यू और ये हो गया नेगेटिव चार्ज माइनस 2q। पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती है तो इससे फील्ड लाइन निकालो, बट माइनस 2q जो है वो इसकी फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये है इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए फील्ड लाइंस का पैटर्न। अब इसको भी जस्टिफाई करके देखेंगे कि क्या ये पैटर्न हमने सही बनाया है। देखो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव चार्ज पे कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन दोनों का रेशियो, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के रेशियो से ही पता चल जाएगा, 4/8, 1/2, और रेशियो इनका चार्जेस का प्लस और माइनस 2q। तो रेशियो भी चार्जेस का मैच कर रहा है और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो भी मैच कर रहा है यहां पे। अब देखते हैं कि अब एक दूसरे नजरिए से देखते हैं कि क्या हमने ये पैटर्न सही बनाया है। फिर से वही वाला काम करो, थोड़ा सा दूर जाके देखो, दो चार्जेस नजर नहीं आएंगे, एक चार्ज नजर आएगा। यह है प्लस क्यू या माइनस 2q, तो हमें एक चार्ज नजर आएगा और वो एक चार्ज यहां बना देता हूं मैं, वो होगा माइनस क्यू। जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा माइनस क्यू। तो यहां पे इस सिस्टम को देखो जरा, सिस्टम के पास कहां से फील्ड लाइंस आ रही हैं। एक तो ऐसे फील्ड लाइन आ रही है, एक यहां से फील्ड लाइन आ रही है, एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है। इसका मतलब एक फील्ड लाइन यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, एक यहां से और एक यहां से। तो हमने यहां पे देखा था प्लस क्यू से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही थी, 4, और माइनस क्यू पे कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, 4। तो इस तरीके से भी जस्टिफाई हो गया सिस्टम। और फील्ड लाइंस जो है वो एकदम सिमेट्रिक है, मतलब चार्ज के आसपास फील्ड लाइंस जो है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है इनके बीच में जो एंगल है वो बराबर है। यहां भी एंगल 90 है, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90, टोटल हो गया 360 डिग्री।
तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आईआईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2001 में। यहां पे बोला जा रहा है कि तीन चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है और तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो इनमें से कौन सा पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सही होगा? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इसकी बात करते हैं। यहां पे जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है उसको देखो जरा। अगर ये तीनों इक्वल चार्ज हैं और सेम मैग्नीट्यूड है तो एक से फील्ड लाइन निकलेगी और दूसरे में कैसे आ सकती है? तो ये वाला पैटर्न गलत हो गया। सर्कुलर लूप्स फील्ड लाइन कभी बनाती ही नहीं है, ये वाला पैटर्न भी गलत हो गया। डीबी इसी पॉइंट से हम गलत प्रूव कर सकते हैं कि सर्कुलर लूप्स नहीं बनती। तो बचा सी, तो सी पैटर्न यहां पे सही होगा। देखो एक बार इसको, चाहिए तीनों पॉजिटिव हो चाहिए तीनों नेगेटिव हो, फील्ड लाइंस एक से निकल के दूसरे चार्ज की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहां से फील्ड लाइन निकल रही है, इधर भी निकली इधर भी निकली, और ये सब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे लाइक चार्जेस हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द चार्जेस आर लाइक चार्जेस। तो सी पैटर्न यहां पे सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है फील्ड लाइंस को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब, जो कि आईआईटी 2003 में पूछा जा चुका है। इसमें बोला जा रहा है कि एक शेल है, शेल के अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और चार ऑप्शंस हैं। बोला ये जा रहा है कि कौन सा फील्ड लाइन का पैटर्न सही है। तो देखते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि एक कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन नहीं होती, तो यहां पे तो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन दिखा रखी है, तो ये गलत। इसी रीजन से ये वाला भी गलत, क्योंकि यहां भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन दिखा रखी है। ये शेल है सब केसेस में, है ना? तो वो शेल के अंदर फील्ड लाइन नहीं हो सकती। अब ये बचा और ये बचा, इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। यहां पे जो फील्ड लाइन है वो इस शेल से किसी पर्टिकुलर एंगल पे मिल रही है, और ये एंगल जरूरी नहीं है कि ये एंगल 90 हो। ऐसा देखने से यहां पे लग नहीं रहा कि ये शेल के साथ 90 डिग्री पे मीट कर रही है, जबकि एक प्रॉपर्टी कहती है कि फील्ड लाइंस ऑलवेज मीट्स अ कंडक्टर नॉर्मली। जबकि यहां देखा जाए तो यहां पे फील्ड लाइन में अप्रोप्रिएट बेंडिंग आ रही है। बेंडिंग का मतलब वो सरफेस के साथ एकदम 90 डिग्री पे मैच कर रही है या मीट कर रही है। ऐसे ही यहां से भी बिल्कुल 90 डिग्री पे निकल रही है। यहां पे भी देखो अप्रोप्रिएट बेंडिंग आई और सरफेस के साथ वो 90 डिग्री पे मीट हुई, यहां पे भी 90 डिग्री पे निकल रही है। तो ये वाला पैटर्न दोनों हिसाब से ठीक है कि एक तो शेल के अंदर फील्ड नहीं है, दूसरा शेल से 90 डिग्री पे फील्ड लाइंस मीट कर रही हैं। तो ये पैटर्न सही हो जाएगा और ये पैटर्न गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन का कहना है कि एक सॉलिड स्फीयर है मेटल का, जो एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया गया। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, ऐसी फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म फील्ड। इसमें एक सॉलिड स्फीयर रख दिया गया, तो फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो कैसा होगा? यहां पे हमने चार फील्ड लाइंस बनाई है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा या ऐसा। ये क्वेश्चन आईआईटी 1996 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कौन सी फील्ड लाइन यहां पे सही है। फर्स्ट की बात करते हैं सबसे पहले। अब इसमें ये देखो क्या ये फील्ड लाइन इस कंडक्टर को नॉर्मली मीट करती है, नहीं करती, तो इसका मतलब ये फील्ड लाइन गलत है। सेकंड फील्ड लाइन की बात करते हैं, ये भी इस कंडक्टर को नॉर्मली मीट नहीं कर रही, क्योंकि नॉर्मली तो वही मीट करेगी ना जो इस कंडक्टर के सेंटर से पास करेगी,
यही फील्ड लाइन ऐसी है जो नॉर्मली मीट करेगी, और ये ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है, तो ये भी 90 डिग्री पे नहीं आई, ये भी गलत। थर्ड तो वैसे ही गलत, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइन नहीं जा सकती। अब तुम सोच रहे होगे कि सेकंड में भी तो अंदर से जा रही है, अंदर से नहीं है, ये एक्चुअल में सॉलिड स्फीयर है, फील्ड लाइन ऐसे आती है और बाहर बाहर से ऐसे चली जाती, तो ये बाहर बाहर से जा रही है, ये जो है ये अंदर से जा रही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गई। फोर्थ आंसर बच गया तो यही होगा आंसर, पर ये सही क्यों है ये भी देखते हैं। फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और इसमें अप्रोप्रिएट बेंडिंग आई। अब देखो ये किस तरीके से कंडक्टर से मीट कर रही है, बिल्कुल नॉर्मली 90 डिग्री पे। कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन नहीं है, जो कि सही बात है, और यहां से कितने एंगल पे निकली, 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज शोन। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे तो ये मल्टीपल ऑप्शन टाइप्स वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं। तो देखो पहले इसकी बात करते हैं। बोला जा रहा है Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है। चेक करो Q1 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो Q1 से कितनी फील्ड लाइंस निकली, 13, और Q2 पे कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जिस चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइंस कनेक्टेड होती हैं उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ये सही है तो ये वाला अपने आप गलत प्रूव हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब हमें नल पॉइंट निकालना है बेसिकली, कि नल पॉइंट कहां होगा। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1, Q1 के लेफ्ट में एक पॉइंट देखो, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये हमें चेक करना है। तो देखो Q1 से फील्ड लाइन निकल रही है तो ये पॉजिटिव है, तो Q1 की वजह से फील्ड होगी इधर, और Q2 नेगेटिव है, Q2 की वजह से फील्ड होगी इधर। बट Q1 मैग्नीट्यूड वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो Q1 की जो फील्ड है वो भी ज्यादा होगी और Q2 की जो फील्ड है वो थोड़ी सी कम होगी। मतलब E2 और E1 की बात करें तो E1 स्ट्रॉन्ग है, E2 थोड़ा सा वीक है, तो यहां पे E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, तो नेट फील्ड 0 नहीं हो सकती। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि क्या फोर्थ सही होगा। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, तो Q2 के राइट साइड चलते हैं हम, मान लेते हैं ये रहा वो पॉइंट, चेक करते हैं यहां फील्ड 0 होगी क्या। Q1 पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड होगी इस तरफ, और Q2 नेगेटिव है तो इसकी फील्ड होगी इस तरफ, और Q1 स्ट्रॉन्ग भी है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो यहां पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें और नेट फील्ड 0 बन जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि JEE मेंस के पेपर में आ चुका है 2015 में है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ एंड अ नेगेटिव चार्ज सिग्मा इन द लोअर हाफ। देखो जैसे ये एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल शेल, इसको जो दिखाया जा रहा है क्वेश्चन में वो क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है। तुम इसको यहां से देख रहे हो, तुम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, तो क्रॉस सेक्शन के अपर हाफ में पॉजिटिव चार्ज है और लोअर हाफ में नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज ऊपर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज नीचे भी। तो ये है क्वेश्चन, और बोला जा रहा है कौन सी फील्ड लाइन जो है वो यहां पे सही है, कौन सा पैटर्न फील्ड लाइंस का यहां पे सही है। तो देखते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकली, नेगेटिव की तरफ गई। ये बात तो सही है। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको, इसको पास से ना देख के इसको दूर से देखो थोड़ा सा, तो हमें क्या नजर आएगा, हमें नेट चार्ज नजर आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो सिस्टम से ना तो कोई फील्ड लाइन निकलेगी और ना ही सिस्टम के पास कोई फील्ड लाइन आएगी, क्योंकि नेट चार्ज कितना है, जीरो। और यहां पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ना तो यहां से कोई फील्ड लाइन दूर जा रही है और ना दूर से कोई फील्ड लाइन इसकी तरफ आ रही है। पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, और सरफेस से 90 डिग्री पे निकल रही है, 90 डिग्री पे ही मीट कर रही है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। हम आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन पे दोबारा आ जाएंगे। इसकी बात करते हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस का निकलना और नेगेटिव पे फील्ड लाइंस का आना, पर ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब ये हो गया, अगर इस सिस्टम को दूर से देखा जाए तो ये फील्ड लाइंस इंफिनिटी पे जा रही हैं और ये फील्ड लाइंस इंफिनिटी से आ रही हैं, जबकि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स, नेट चार्ज कितना है, जीरो। तो ना तो कोई फील्ड लाइन यहां से निकल सकती है, ना कोई फील्ड लाइन आ सकती है, तो इस तरीके से ये गलत हो गया। और एक और वैसे तो रीजन है इसको गलत प्रूव करने का, क्या, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अनलाइक चार्जेस होते हैं। अनलाइक चार्जेस हैं तो इनसे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं उन फील्ड लाइंस के बीच में लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, जबकि ऐसा कुछ इस ऑप्शन में नहीं दिखाया हुआ, ये तो एकदम स्ट्रेट जा रही हैं, तो ये ऑप्शन तो टोटली गलत प्रूव हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 6 पे। ऑप्शन नंबर 6 में भी यही दिखाया हुआ है कि चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है, नेगेटिव पे फील्ड लाइन आ रही है। इसको भी अगर एक सिस्टम माना जाए, दूर से देखा जाए, तो कोई फील्ड लाइन ना निकलेगी ना कोई फील्ड लाइन आएगी इसकी तरफ, तो ये ऑप्शन भी गलत प्रूव हो गया। इस पे आते हैं, इसमें क्या है कि पास की फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, बट इस पॉइंट को देखो जरा, यहां पे एक शार्प टर्न आ रहा है फील्ड लाइंस में, जबकि फील्ड लाइंस में कोई शार्प टर्न नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि शार्प टर्न आने का मतलब है कि इस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। इस पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे फील्ड लाइंस में शार्प टर्न है, तो ये ऑप्शन भी गलत प्रूफ हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो आज के लिए इतना ही, बाय।